तो मुंह में पानी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज आपके जायके की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, तो आज खाने वाले हैं ग्वालियर की सबसे फेमस दावेली, जिसे आप अपने ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं डेली, और उसे खाने के बाद आप निकाल सकते हैं ग्वालियर में अपनी रैली। तो जिस जगह में हम कुछ ही पलों में बस होने वाले हैं एंटर, उस जगह का नाम है ना श्रीराम दावेली सेंटर। तो देखेंगे यार क्यों इनके पास रात में इतनी भीड़ लगती है और 9:30 तक इनका पूरा माल बिक जाता है। तो मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ, सीधे आ जाइए मेरे साथ, आइए। तो अंदर आ चुके हैं, इनका सेटअप दिखाता हूँ आपको एक बार। सेटअप देखिए आप इनका, सामने बढ़िया पाव पड़े हुए हैं एकदम फ्रेश और एकदम सॉफ्ट से, ऊपर से कड़क अंदर से सॉफ्ट, और सामने इनका जो मसाला है, ये जो मसाला है ना, अगर आपने इस मसाले को समझ लिया ना तो आपने कच्छ को समझ लिया। मतलब जो थोड़ा सा भी जानकार होता है ना दावेली का, वो ये कहता है कि जो मसाला है ना आपने ये मांडवी से मंगाया गया। मांडवी एक छोटा सा पोर्ट है जो कि कच्छ में पड़ता है, बंदर गया उधर ही इस दावेली का ईजाद हुआ था। तो यार अब अपने लिए इनकी दावेली लगवाते हैं। तो ये देखिए इनके सामने सेब पड़े हुए हैं, बढ़िया सेटअप है भाई, बना दीजिए दावेली सामने, भैया हमारे लिए दावेली बनाएंगे। तो भैया बना दीजिए दावेली, बना दीजिए। तो ये देखिए अपने लिए भाई ने पाव ले लिया है, और ये क्या लगाने वाले हैं आप इसमें? इमली डाल रहा हूँ मैं। क्या डाला है आपने? इमली डाल रहा हूँ, इमली की चटनी है ये। फिर डालूँगा मैं दाने, फिर प्याज, फिर डालूँगा इमली, फिर लहसुन की चटनी डाल रहा हूँ, फिर सेव डाल रहा हूँ। ये कम्प्लीट दावेली बन चुकी है और फिर तवे पर सेकने जा रही है। ये देखिए सामने बढ़िया तरीके से दावेली सेक रहे हैं। यार दावेली की एक खास बात है मैं आपको बताऊं, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं ना, खाने के बाद भी पेट आपका भरा है, उसके बाद भी आप ये 2-3 दावेली खा सकते हैं, इसकी ये खास बात है। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई ऑफिस या कॉरपोरेट में वर्क करते हैं तो आपको तुरंत एकदम से खाना चाहिए, जिसका कोई सेटअप नहीं करना पड़ता, सारी चटनियाँ और उनके जो मसाले और उनकी जो नमकीन होती है वो सब फिल करके देते हैं। मतलब कि सीधा पैकेट से निकाला, खाया और सीधा अपना पानी पिया, मतलब कोई सेटअप नहीं करना पड़ता। पिज़्ज़े की तरह के ओरिगैनो डाला इसके ऊपर या चिली फ्लेक्स डाले, 15 मिनट उसी में निकल गए, रेडी टू ईट है एकदम से, हाल आप खा सकते हैं। और साथ ही में जोमेटो में इनकी डिलीवरी मिलती है ना भाई, अगर आप इस लॉकडाउन में आ नहीं पा रहे हैं ना तो जोमेटो पर जाइए, सर्च कीजिए श्रीराम दावेली सेंटर, और उस पर आपको इनकी दावेली मिल जाएगी, और घर पे इंजॉय कीजिए बढ़िया तरीके से। कॉस्ट जो की है इनकी 10 रुपये है मात्र, सुबह 12 बजे से इनकी दुकान खुल जाती है और रात के 10 बजे तक खुलती है। कल मैं आया था 9:15, तो मतलब इनका जो माल है ना वो ख़त्म हो चुका था, इसी कारण मुझे आज दोपहर में आके शूट करना पड़ रहा है, वरना मैं रात में शूट करता इनका। तो यार अब देखेंगे यार वाकई में इनके जायके में दम है या नहीं, तो सीधा टेस्टिंग में मिलते हैं। तो ये देखिए इनकी दावेली ले ली है, काफ़ी क्यूट सी लग रही है, एक बार आपको फीलिंग दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए आप। आ हाँ, ये उनके ऊपर मसाले सेट है, साथ में इनकी लहसुन की चटनी है, आनियन है और सेव है पतले वाले, और साथ में इनका जो मसाला है, जो दावेली की जान होता है, जो कि मांडवी में ईजाद हुआ था, जो कि मसाला, अगर आप मसाला मांडवी से मंगवा रहे हैं ना तो आपकी दावेली वैसी सुपर बनने वाली है। तो बढ़िया, आप इसका पहला बाइट लेंगे, कुछ नहीं है, कोई चटनी नहीं देते साथ में, क्योंकि सारी चटनियाँ इसके अंदर फिल होती हैं। इधर इनका पाव हाथ में लीजिए, सीधे आने दीजिए अपने मुंह के अंदर। सबसे पहले बताना चाहूँगा काफ़ी लाइट सी है, मतलब खा के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हैवी सा खाया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट में लग रही है, हल्का सा मीठा स्वाद आ रहा है, जो इनने मसाला डाल के रखा है उसका साथ में थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद आ रहा है, जो कि लहसुन का स्वाद है, और साथ में जो पीनट्स है ना मूंगफली, उसका जो कुरकुरापन आ रहा है ना, वो काबिले तारीफ लग रहा है। मतलब दूसरा बाइट लेता हूँ, मतलब अगर आपको छोटी सी भूख लग रही है ना, सुबह खुलती है इनकी शॉप दोपहर के 12, और सामने ठीक है इनके शॉप के माधवगंज चौराहा, तो बस आपको माधवगंज चौराहे पे आ जाना है और किसी से भी पूछ लेना है कि श्रीराम दावेली वाले कहाँ हैं। कोई भी बच्चा आपको आंख बंद करके इनके पास ले आएगा, ये खुद अपने आप में एक परिचय का मोहताज है। मतलब इन जब कोई अपना एड्रेस बताता है ना तो ये यूज़ करता है कि मैं श्रीराम दावेली सेंटर के पास रहता हूँ। तो अब बहुत बातचीत हो गई, एक बाइट और लेते हैं इनका। मतलब एक कहा जाए ना तो एक पूरा मिठास सा स्वाद है, मतलब मीठा चटपटे पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है, मतलब
मीठा स्वाद इसमें बखूबी उभर के आ रहा है भाई। गुजराती चीज़ है और गुजराती अगर शक्कर और मिठास ना घोलें तो मज़ा ही नहीं आएगा। उनकी हर एक चीज़ में चीनी के बिना कुछ उनका काम ही नहीं होता। तो यार अगर आपको इधर की दावेली पसंद आए ना तो आप मुँह में पानी को टैग कर सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा हमारा, उस पर आके यहाँ पर आएँ और मुँह में पानी को टैग करें और बताएं कैसा लगा आपको यहाँ का जायका। तो यार कुछ कस्टमर से बात करते हैं श्रीराम दावेली वाले के से। भैया कैसा लगता है आपको यहाँ का जायका? अच्छा लगता है, टेस्ट भी है, खाने में भी अच्छा लगता है और पैक भी करा के ले जाते जाते इधर। मतलब आप देख सकते हैं भैया का पूरा फिगर, बॉडी मेंटेन है और साथ में दावेली भी खाते हैं। मतलब फैट तो इसमें होगा ही नहीं भैया ऐसा। मतलब आप जिम के साथ भी इस दावेली को खा सकते हैं ना? अरे हम खा सकते हैं, इसमें कोई फैट वाली बात ही नहीं है, थोड़ा तो है। इसमें एक आध दो पीस खा सकते हैं कोई बात नहीं। मतलब काफ़ी हेल्दी सी है, अगर आप ऐसा नहीं लगेगा आपको खाने के बाद कि आपने गंद खा ली है, और आप अपनी भाई की तरह बॉडी को मेंटेन भी कर सकेंगे। देखिए भाई ने किस तरीके से बॉडी को मेंटेन किया है। धन्यवाद भाई रिव्यू देने के लिए। श्रीराम दावेली सेंटर के कर्ता धर्सा से बात करेंगे अपने मुकुंद जी से। मुकुंद जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यार आपकी दावेली में ऐसा क्या है, मतलब माधवगंज में चक्का चक्का जाम हो जाता है यार इनकी दावेली खाने के लिए। कुछ नहीं, टेस्ट है, गुजराती डिश है। ग्वालियर में हमने ही दावेली चालू करी है, और कोई जब हमने 2003 में दुकान खोली थी तो शहर में कोई भी दावेली नाम ही नहीं जानता था। और गुजराती टेस्ट है तो लोगों का अपना प्यार है कि जो हमको इतना रिस्पांस मिल रहा है। और महंगाई की दौर में बहुत हमारा रिजनेबल रेट है, मात्र 10 रुपये में हम इसको बेचते हैं। और जब 2003 में खोली थी तब हमारा इसका रेट मात्र 4 रुपये था। क्या बात है। और अंकल एक बात और बताइए, टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपकी, और कोई नियर बाई लोकेशन एड्रेस और कॉस्ट क्या है अपने इस दावेली की? हमारा टाइमिंग है यहाँ मेन शॉप का सुबह 11:30 से रात के वैसे 9:30-10 बजे तक का है, बाकी फिर माल के ऊपर है। और नियर में हमारा एक पाटंगा चौराहे पे आउटलेट लगता है, एक DB मॉल के सामने हमारी श्रीराम दावेली एक्सप्रेस करके चलती है, और एक ठाटीपुर में हमारा चौपाटी पे काउंटर लगता है श्रीराम दावेली सेंटर करके। क्या बात है। मतलब दावेली को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं ना या टेस्ट करना चाहते हैं तो बस आँख बंद कीजिए और माधवगंज पे श्रीराम दावेली वाले के भैया के पास आ जाइए और टेस्ट करके बताइए कैसा लगता है आपको यहाँ का जायका। तो अंकल एक बात और बताइए, आपने दावेली ही क्यों चुना? मतलब आप और भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते थे, दावेली के साथ पाव भाजी भी शुरू कर सकते थे, लेकिन आप 2003 से जैसा आपने बताया दावेली पे ही टिके हुए हैं, ऐसा क्यों? मेरा मानना है कि अपन अगर एक आइटम पे कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा अपन ने 3-4 आइटम मिला लिए, कस्टमर मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कस्टमर की सर्विस, कि कस्टमर परेशान ना हो, उसको एक टेस्ट बरकरार जाए बस। इस वजह से मैंने यहाँ पे दावेली के अंदर कोई दूसरा आइटम इसलिए नहीं बढ़ाया मैंने। क्या उमदा विचार है अंकल के। तो अंकल धन्यवाद यार अपने बिजी शेड्यूल्स में हमें टाइम देने के लिए, धन्यवाद। तो यार ऐसी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है ना तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें, क्योंकि उधर मैं लाता हूँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सीधा आपको कहाँ मिलने वाला हूँ, दिल्ली।